दर्शकों पंजाब प्लस चैनल पे तुहाडा स्वागत है। अज असीं आए हां एक बार फिर अशोक भंडारी जी। देखा तो ये ख्याल है, देखिए इस दे विच दो जगह गिर रही हैं मात्राएं। लाइटली मत लेना, दो मात्राएं गिर रही हैं इसकी। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, ऐसे है जी गजल जी विदा है, ये पोएट्री का अल्टीमेट है, पोएट्री का अल्टीमेट है और कोई मुश्किल नहीं है सीखनी है। ये हवा बनी हुई है, सब मुश्किल काम की है दुनिया च, वो है दो पैरों पर इन्ने इन्ने पैरों पर अपनी सारी बॉडी को बैलेंस करना, एंड एवरीवन नोज इट। वो सीखा कि उन्हें प्रैक्टिस की, जिस टाइम पहले दिन बच्चा जमदा खड़ा नहीं हो सकता, उन्होंने माँ खड़ा कर दी है। इस करके ये अपने जोड़ा है सीखना तो पैना है, मगर बहुत मुश्किल नहीं है। आई थिंक तुम रियलाइज़ कर लिया होना कि बहुत मुश्किल नहीं है। ठीक है, अब तुम जी गज़ल लिखी ले आए, बहुत चंगी गज़ल लिखी ले आए, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है लिखना, राइट। तो ये गुजारिश है कि मन तो लिखो, बस अल्फाज थोड़े को हैं, थोड़े को ख्याल भी हैं, उन्होंने ख्यालों प्रॉपर अल्फाज ग्रामर के पा के पढ़ा है बस, ताकि वो बोलते सोहने लगन और म्यूजिक के बोले जा सकन। ठीक है, तो यही आप सीख रहे हैं बैठे इतने, यही सीख रहे हैं। थोड़ी क्या फीलिंग है वो तुम हम दस दो, ठीक है, सो दैट एहसास हो पब्लिक न, लोग जो सीखना चाहते हैं उन्होंने एहसास हो कि हाँ भी मुश्किल है आसान है की पोजिशन है, वो तुम इन दसो जो है बच्चों जो सीखना होगा। और कोई उम्र नहीं है सीखने की, कोई उम्र नहीं सीखने की। मैं 65 साल की उम्र सीखी जी गजल लिखनी, ठीक है, कोई उम्र नहीं है सीखने की, राइट जी। हाँ उषा जी, आप क्या कन्वे करते हैं? ऐसा है जी, मैं 40 साल हिंदी पढ़ाई है, कवितावान लिखती सी, पर हूँ गजल का प्रेरणा मिली सानू नादिर सर तो, मैं इतने गजल सीख आई है। तो गज़ल की अपनी ग्रेस है जो ये सानू सिखा रहे, बड़े अच्छे ढंग से सिखा रहे हैं। असी भी थोड़े शेर लिखे है एक गज़ल के, छे शेर भी लिखे है जो इन्ने सोहने तो नहीं बन पाए, असं बहुत कोशिश कर रहे हैं कि बहुत वधिया बनन। जो ये टॉपिक देंदे सी उस तो इलावा भी सानू मन में आया कि असी कुछ होर लिखिए, तो मैं श्री कृष्ण जी के उपर लिखा और सस्सी पुन्नू के उपर भी एक गज़ल लिखने की कोशिश की है, सानू अच्छा लगे। तो सर सानू इदा प्रेरणा देंदे ते असी ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਗਜ਼ਲ ਨੂੰ ਉਚਾਈਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ, ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਔਰ ਗਾਵਾਂਗੇ ਵੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਰਾਈ ਸੀ ਮਾਂਗ ਲੋ ਅਬ ਯਹੀ ਦੁਆ ਨਾ ਦੇ ਮੋਰ ਅਸ਼ਕੋ ਕਾ ਵੋ ਬੜਾ ਜਾਏ, ਤੋ ਉਸ ਪਰ ਮੈਨੇ ਆਗੇ ਲਿਖਾ ਫਰਸ਼ ਪਰ ਵੋ ਗਿਰਾ ਹੁਆ ਅਬ ਤੱਕ ਅਰਸ਼ ਪਰ ਵੋ ਮੁਝੇ ਚੜਾ ਜਾਏ, ਸੀਖ ਪਾਇਆ ਨਾ ਪਾਠ ਜੀਵਨ ਭਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਾ ਸਬਕ ਪੜਾ ਜਾਏ। जो मैंने अपनी लिखी है वो है गुजारिश करूंगा कि अपने मन के जो ख्याल हैं कैसे फील हो रहा है। ड्यू रिस्पेक्ट टू नादिर साहब एंड फ्रेंड्स, तुकबंदी शायद मेरी तरह बहुत लोग करते रहते हैं, मैं भी करता रहता सी जब तक मैं नादिर साहब को नहीं सी मिलया। मैं लगता से मैं बहुत बढ़िया शायद, बट मैनू ABC नहीं सी पता। मैनू नादिर साहब मिले, मैनू उन्होंने असलियत समझाई शायरी बहर की, बहर की है कि लिखा जाता, लिखन के रूल्स की, देर आर सम रूल्स, उन्होंने बाहर लिखने का कोई फायदा नहीं। तो मैं तो जस अजे ज्वाइन ही किया, सीख ही रहा, अजे लिखा भी कुछ नहीं है, पर पता लगता है कि एक प्योर लिखी हुई चीज़ और एक आप जो तुकबंदी कर लें अंदर की फर्क है। और एज ए हॉबी अगर मैं लवा इस, तो हर आदमी की कोई ना कोई हॉबी होती है, इस हॉबी तो सिर्फ और सिर्फ थोड़े विचार लगने, तुम अपने विचारों को कागज़ से उतारना, दैट्स इट। कोई खर्चा नहीं, कोई कुछ नहीं, जब कले बैठे हो दो लाइन लिखने की कोशिश करो, नादिर साहब का नंबर तुम्हें मिल ही जाएगा। कुछ भी सीखना हो, नादिर साहब वर्गा गुरु मिलना अपने आप के बहुत बड़ी चीज़ है। इस धन्यवाद कराँगा सब का। अब मैं सुबीन मनोजा जी से गुजारिश करूंगा कि अपने मन के ख्याल जो हैं वो कन्वे करें, बहुत मेहरबानी होगी।
बड़ी अच्छी बात है कि हमने सीनियर सिटीजन ग्रुप ज्वाइन किया, तो यहाँ हमें नादिर साहब जैसे लोग फ्री में पढ़ाने वाले, गज़ल सिखाने वाले मिले। मैंने नया नया ही मेरा शौक जागृत हुआ था कविता लिखने में, तो कविता के बाद उसको और अच्छे लफ्ज़ों में कैसे पिरोया जाए, तो इनसे मैंने बहर रूप इसके गज़ल के रूल्स और वजन सीखे। गज़ल सुन के बड़ा मज़ा आता है, ख़ासकर सीनियर सिटीजन को। उर्दू के शब्द कई बड़े अच्छे अच्छे हैं, तो वो हमें गज़ल से ही सुनने को मिलते हैं, इसी से गज़लों से ही फिल्मों के गाने मिले हैं, बनते हैं। तो गज़ल सीखना एक बहुत अच्छी बात है और बड़ी अच्छी एक हॉबी है हमारे जैसे सीनियर सिटीजन के लिए, रिटायर्ड बंदों के लिए। मैं नादिर साहब का बड़ा धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने हमें इनकरेज किया और करते रहते हैं, हमेशा सेवा में हाजिर है। रेणु अभी जी, अब मैं गुजारिश करूँगा, जो आप फील करते हैं मन से, जो फील करते हैं वो बताइए, मन से जो फील करते हैं। धन्यवाद नादिर जी। सबसे मैं उस परमात्मा के भी आभारी हूँ, उन्होंने हमें इतने अच्छे गुरु जी, इतने अच्छे भाई, इतने अच्छे गुरु दिए। आज तक हम कविताएं तो लिखते थे लेकिन हमें ये नहीं पता था कि मीटर में कैसे लिखी जाती। जब हम लोग इनके संपर्क में आए तो इन्होंने हमें पहली बार मीटर में लिखना सिखाया। सभी कहते तो बहुत है कि ऐसा करो, ऐसे लिखो, लेकिन किसी ने समझाने की कोशिश नहीं की। मैं इनका बहुत धन्यवाद करती हूँ कि नादिर जी की क्लास में आके हमें इतना अच्छा लगा। और देखो, धीरे धीरे ही हम अभी विद्यार्थी हैं, धीरे धीरे ही हम सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे, और हमें पूरा यकीन है कि हमें बहुत कुछ सिखा रहे हैं और बढ़ा भी देंगे। और इनके एक शेर अपना बोलिए जो आज आपने सुनाया था, वो बोलिए। धन्यवाद जी, हम इतना अच्छा तो नहीं लिखते, फिर भी उन्होंने हमें अनुमति दी है, तो मैं कहना चाहूँगी, हर तरफ तू ही नजर आते है, हर तरफ तू ही कर। मैं गुजारिश करूँगा रेणु अभी जी, जो आज शेर आपने मुझे सुनाया था वो सुनाइए। धन्यवाद आपका। हर तरफ तू ही तू नजर आ, हर तरफ तू ही तू नजर आए, अब बता दो कि हम किधर जाएं, अब बता दो कि हम किधर जाएं। बहुत अच्छे। धन्यवाद। और आप भी, मैं तो यही कहूँगी, आप भी सभी आए और कक्षा को, गजल कक्षा को ज्वाइन करें, घबराए नहीं, सभी आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। अब मैं सुनीता एंजल जी से गुजारिश करूँगा, वो क्या फील करते हैं, वो एहसास अपने जेब में वो बताएंगे। नमस्कार जी, मैं सुनीता एंजल। मुझे आते हुए 2 महीने हुए अभी, बट मैंने बहुत कुछ सीखा है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा सीखा है। मैं अपने दिल की भावनाएं घर पे बैठी लिखती रहती, लेकिन मुझे इस चीज़ की बिल्कुल नॉलेज नहीं थी कि गज़ल कैसे लिखती है। मुझे डॉक्टर अनीश जी ने सर जी का नंबर दिया और मैं आई हूँ, और ये मेरे लिए बहुत, मतलब मुझे बहुत कुछ सिखा रहे हैं। अभी मैं नई हूँ, मैं ज़्यादा कुछ सीखी नहीं हूँ, पर आने वाले टाइम में मैं बहुत कुछ सीखना चाहती हूँ। ऐसे है पहनों दे ब्रावो, गज़ल कमाल दी एक विधा है। तुसी भी सुनते होने हैं टीवी ते, रेडियो ते, आई थिंक पूरा इंजॉय करते होंगे। गजल तो उपर हो कोई विधा नहीं है पोइट्री जो तुम इंजॉय कर सको, और जिन्हें गजल एक लिखी गई वो सेंचुरीज तक चलनी है। क्यों? क्योंकि ये गाई जा सकती है। तुसी जिन्हें भी गजल राइट सिंगर रहेंगे उन्हें तुसी रोज़ रोज़ सुनते होंगे, कभी मन च नहीं आया कि हाँ तुसी भी लिखो। कमाल दी विधा है, इन्नी एक क्रिएशन है। तुसी जब करते हैं ना, एक लिखते हैं गजल, थोड़ी आत्मा कहती है मैं कुछ क्रिएट कर लिया। ये एक किताब है,
गज़ल लिखने के मुतलिक बुनियादी जानकारी ये तुसी मेरे तो फ्री ले सकते हैं। मेरा टेलीफोन नंबर, एड्रेस, ये सब कुछ थोनों आ जाएगा चैनल के उपर। कभी भी किसी भी टाइम तुसी ये लेके पढ़ो, पढ़ के एहसास होगा कोई मुश्किल नहीं है लिखनी गज़ल, कोई मुश्किल नहीं है। ये हुण जिन्हें मेरे स्टूडेंट हैं, एक है लड़की जी 45 साल की है, होर सारे 60 साल तो उपर है, कोई उम्र नहीं है सीखन की गज़ल, कोई उम्र नहीं है। और जब तुम लिखोगे थोनों इन्नी मन में शांति मिलेगी मैं की क्रिएट कर लिया। जब तुम लिख के पढ़ोगे इन्ना लुत्फ आएगा, इन्ना लुत्फ आएगा, गाओगे उसनों अपनी चीज़ लिखी मैं आप गाओगे, अरे यार वो लुत्फ कितने मिलना है। तो गुजारिश है जेड़े भी साहिबान कोई भी पोइट्री की विधा बिच चाहे खुली है, चाहे छंद मुक्त है, चाहे छंद बद्ध है, कोई भी विधा बिच लिखते हैं वो गज़ल लिखना सीखो, क्योंकि अल्फाज थोड़े को हैं। जब तुम पोइट्री लिख रहे हैं इट मीनस अल्फाज थोड़े को हैं, थोड़े अंदरों लफ्ज निकलते हैं। ये जी गज़ल लिखनी सिखाना है मैं, ये सिर्फ ये है कि लफ्ज अंदरों किमें कढ़ने हैं, ख्याल के मुताबिक लफ्ज किमें निकलने हैं वो थोड़ा आते हैं। हूँ थोड़ी जी ग्रामर के बीच पाने वो ताकि वह गाए जा सकन, बहुत मामूली काम है। गुजारिश है सीखो ये बहुत मामूली काम है। मैं हूँ ऑनलाइन भी शुरू कर लगेगा, आई थिंक नैक्सट वीक ऑनलाइन भी शुरू हो जाएगी, ठीक है। इनू सीखो और इंजॉय करो जिंदगी, इन्नी इन्नी इंजॉयमेंट है जिंदगी देख, इन्नी इंजॉयमेंट है गज़ल के बीच कि मेरे को अल्फाज नहीं है। यू लव टू राइट, यू लव टू राइट, एक लिखती जाना तुम थोड़ा हाथ खुल गया तुम्हें तो देखना जरा क्या तुम्हें फीलिंग आएगी। बहुत मेहरबानी। इस बाद मैं तुम एक गज़ल सुनाना दो चार फिर तब मैं दसागा भी हाँ कि इस तरह इंजॉय करूँगा। हाँ भ्रावो तो भैनों मैं याद है ये मेरी सब नाला पहली नज़म सी, सब नाला पहली नज़म सी जी मैं लिखी सी, जिस तो मैं जोड़ा है मेरे गुरु जी हैं श्री राम वास जी उन्होंने गाइड किया भाई तेनों ये लिखनी आँदी है तो गज़ल तो मामूली चीज़ है। और मैं रियलाइज किया दो चार राज खप्पे सजे कितने कमाल की गज़ल बन गई। ये मैं बच्चे दे जन्मदिन पर लिखी सी कुछ लाइना, ये सब ना पहली नज़म ली। मन पुलकित हो तन पुलकित हो धरती का कण कण पुलकित हो, महको कस्तूरी की माफिक जीवन का हर क्षण पुलकित हो, पूरे हो अरमान तुम्हारे सुरसा ये जीवन पुलकित हो, महके चहके फूल यहाँ पर घर होकर उपवन पुलकित हो। ये इस तरह पहला मैं लिखा करता सी नज़मा, ठीक है। जबकि मैंने गाइडेंस मिली अस्सी करों और मैं गजल लिखी शुरू की, लुत्फ आ रहा है जिंदगी का, हम लुत्फ आ रहा है, दैट इज़ वट आई कैन से। वन फील्स कि मैं कुछ क्रिएट किया है और क्रिएशन का जो लुत्फ होता है वो क्रिएशन मिलता है। मेहरबानी।